Hey everyone, welcome back to Favorite YouTube channel Educational Hike. This is Prem Pandey और आज हम पढ़ने वाले हैं Class 8 Science NCERT से Chapter Number 3 के Keywords plus NCERT Solutions, वो भी हिंदी explanation के साथ। आपको ये पूरे वीडियो देखने के बाद पूरा क्वेश्चन आंसर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको रट जाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में दिए गए हैं, एंड प्लस आपके एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो मार्क द करेक्ट आंसर हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन आंसर हो, डिफरेंशिएट बिटवीन हो, सब कुछ इस पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्लस पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी इजी वे में, एकदम सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा भाई, तुमको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को और कीवर्ड्स को। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, ऐसे ही वीडियोस आप रेगुलरली पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस पर्टिकुलर चैप्टर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की सारी एक्सरसाइजेस एक वीडियो बनाकर दे दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हो। वन थिंग मोर, आपको अगर ये पूरा पीडीएफ रिटन फॉर्म में चाहिए तो भी आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सबसे पहला है एक्रिलिक। अगर हम एक्रिलिक को सिंपल भाषा में समझे ना, तो जो ऊन के जो हम स्वेटर पहनते हैं, जो सॉल पहनते हैं, वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल सिप के वुल से ही मिले, क्योंकि वो तो बहुत महंगे होते हैं। इसलिए एक ऊन जैसा दिखने वाला चीज बनाया गया है इंसानों द्वारा, जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं, जो दिखता तो ऊन जैसे है, काम भी ऊन जैसे करता है, लेकिन थोड़ा सा वूल से सस्ता होता है। इसकी डेफिनेशन है, एक्रिलिक फाइबर्स आर फाइबर्स, एक्रिलिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं, वो धागे होते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि मैन मेड पॉलीमर से बनते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया पॉलीमर, और उस पॉलीमर का नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। ये डेफिनेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी, फिर से सुन लो। एक्रिलिक फाइबर वो धागे होते हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर से मिलके बनते हैं, और कौन से सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। गॉट इट? चलो सेकंड, आर्टिफिशियल सिल्क, जो मखमल हम बोलते हैं ना, एक तो होता है नेचुरल ओरिजिनल मखमल, एक होता है आर्टिफिशियल मखमल। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे हम रेयॉन भी कहते हैं, इज एनी सिंथेटिक फाइबर विच रिजेंबल्स सिल्क बट टिपिकली कॉस्ट लेस टू प्रोड्यूस। आर्टिफिशियल सिल्क या जिसे हम रेयॉन भी कहते हैं, ये एक ऐसा मैन मेड फाइबर है। सिंथेटिक का मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि मखमल जैसा दिखता है, बट टिपिकली कॉस्ट लेस टू प्रोड्यूस। लेकिन जितना सिल्क को पानी में खर्चा लगता है, जितना सिल्क महंगा है, उससे कहीं कम सस्ते दाम पे हमें रेयॉन मिल जाता है, लेकिन काम वो सिल्क का ही करता है, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क इसका नाम रखा गया है। नायलॉन आप सब जानते हो, हम स्कूल जाते हैं तो हम नायलॉन की मोजे पहनकर जाते हैं, ठीक है। नायलॉन इज द मोस्ट यूजफुल सिंथेटिक मटेरियल। नायलॉन सबसे यूजफुल, सबसे कागजी, आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा काम का है ये जो नायलॉन है। ये एक ऐसा मैन मेड मटेरियल है विच कैन बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, जिसे हम धागे में भी बदल सकते हैं, और उस धागे से हम अलग अलग ड्रेस मटेरियल्स बना सकते हैं। और अगर हमें कपड़े नहीं बनाने हैं, ड्रेस मटेरियल नहीं बनाने हैं, तो नायलॉन को हम माउल्ड भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और मोड़ के अलग अलग डेली प्रोडक्ट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, और भी कई जरूरत के सामान हम नायलॉन से बना सकते हैं। जैसे कुछ जरूरी सामान जो नायलॉन के फाइबर से बनते हैं, जैसे अम्ब्रेला, छाता हमारा नायलॉन से बनता है, नायलॉन की कटोरी आती है बॉल, वो भी नायलॉन से बनता है, कारपेट जानते हो जो नीचे जमीनों पे बिछाया जाता है, वो भी नायलॉन का बनता है, हमारे सॉक्स नायलॉन के बनते हैं, जो रस्सियां होती हैं वो भी नायलॉन की बनती हैं, बहुत सारी चीजें नायलॉन से बनती हैं, ठीक है। तो नायलॉन की डेफिनेशन क्या हो गई? नायलॉन इज द मोस्ट यूजफुल सिंथेटिक मटेरियल। नायलॉन सबसे काम का इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम फाइबर्स,
धागों में भी बदल सकते हैं और धागों से हम कपड़े बना सकते हैं, ड्रेसेस बना सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं बनाना तो हम डेली प्रोडक्ट्स, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज में आने वाली चीजें बना सकते हैं नाइलॉन से, जैसे अम्ब्रेला छाता हो गया, नाइलॉन बाउल हो गया, कारपेट हो गया। नाउ फोर्थ, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है आप सब जानते हो, हमारे घरों में कुर्सियां होती हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं, हमारे घरों में 90% चीजें प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। प्लास्टिक्स आर अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इतना समझ लो, प्लास्टिक वो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है, मतलब प्लास्टिक एक ऐसा मैन मेड कह सकते हो, या सेमी सिंथेटिक का मतलब जो पूरी तरीके से इंसानों ने ना बनाया हो, क्योंकि पहले के जमाने में जो प्लास्टिक्स होता था ना वो सेलुलोज से मिलता था। अगर आप सेलुलोज नहीं जानते हैं तो सेलुलोज हमारा वुड पल्प से मिलता है, वुड पल्प कुछ ऐसा दिखता है, वुड पल्प से सेलुलोज बनता है और सेलुलोज से बनता है प्लास्टिक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमें ट्रीज से मिला है, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब आधा ही इंसानों द्वारा बनाया गया है। या जो मॉडर्न प्लास्टिक्स होते हैं वो केमिकल्स से बनते हैं, तो वो पूरे सिंथेटिक होते हैं, पूरे मैन मेड होते हैं। तो प्लास्टिक्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो मैन मेड कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मैलिएबल। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मटेरियल को हम पीट के लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हो प्लास्टिक के जो तार बनते हैं, तार होते हैं ना, तारों की जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है, वो प्लास्टिक से ही होती है। तो प्लास्टिक हमारा मैलिएबल होता है और मोल्डेबल, माउल्डेबल भी होता है, मतलब हम उसे अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में भी बदल सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां हो गई, ठीक है, प्लास्टिक के हमारे टेबल हो गए, प्लास्टिक की हमारी टीवियां हो गई। तो अलग अलग चीजें हम प्लास्टिक से बना सकते हैं और प्लास्टिक मैलिएबल भी होता है। मैलिएबल का मतलब जिसे हम कन्वर्ट कर सकें थिन वायर्स में, समझ गए। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर एनी फैब्रिक। पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा होता है, एक ऐसा फैब्रिक होता है विच इज मेड यूजिंग पॉलिस्टर यार्न्स, जिसको बनाया गया होता है पॉलिस्टर के धागे से। अब पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर एक ऐसा टेक्सटाइल या फैब्रिक होता है, पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा होता है जो पॉलिस्टर के धागों से बनाया जाता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो पॉलिस्टर इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का एक प्रकार ही पॉलिस्टर कहलाता है। नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। तो अ पॉलीमर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है विथ मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर इन लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स। अगर आपने पॉलीमर की इमेज देखी होगी तो आपको ऐसा कुछ दिखता होगा, ऐसे ऐसे चेन्स बने होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि विथ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल से बनता है? ये मोनोमर्स से बनता है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो, पॉलीमर मतलब मेनी मोनोमर्स, मेनी मोनोमर्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं, जैसे हमारा रबड़ हो गया, ठीक है। रबड़ आप जानते हो जो तनने वाली चीज होती है, जो तनती है, जो स्ट्रेच होती है, वो सारी चीजें पॉलीमर में आती हैं, ठीक है। नाउ हमारा सेवंथ, पॉलीथिन। पॉलीथिन क्या है? पॉलीथिन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथिन प्लास्टिक का एक ऐसा प्रकार है जिसे हम थिन सीट्स, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनसे हम बैग्स बना सकते हैं। हम सब्जियां लेने जाते हैं, जो पॉलीथीन का बैग होता है वो पॉलीथीन का टाइप ही होता है। जो हमारे यहाँ पतली पतली पन्नियां, जो सब्जियां लेकर हम आते हैं, हम चावल लेकर आते हैं बाजार से, हम कोई भी चीज लेकर आते हैं बाजार से, तो वो जो पॉलीथीन्स होती हैं वो यही पॉलीथीन्स होती हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? यूज्ड स्पेशली टू कीप फूड फ्रेश, खाना को ताजा रखने के लिए। जो हमारे मॉल्स में, ट्रेन्स में जो खाने पैक होकर मिलते हैं ना, वो पॉलीथिन से ही पैक रहते हैं ताकि खाना खराब ना हो, और चीजों को सूखा रखने के लिए भी हम पॉलीथिन का यूज करते हैं। हम जानते हैं जब बरसात होती है तो बरसात में हम अपने मोबाइल फोन्स को, अपने पैसों को पॉलीथिन के अंदर रख देते हैं ताकि वो क्या रहे, सूखा रहे,
है कि नहीं? तो पॉलीथीन आई थिंक आप समझ गए होंगे। रेयन, रेयन मैंने पहले ही बता दिया है आपको, रेयन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है, मतलब रेयन हमारा वुड पल्प से ही मिलता है, तो इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल है, थोड़ा सा नेचुरल है और थोड़ा मैनमेड है। तो रेयन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है जो कि सेलुलोज से बनता है। मैंने बताया सेलुलोज किससे मिलता है हमें, वुड पल्प से मिलता है, और वुड पल्प कहां होता है, पेड़ों में ही होगा ना, वुड पल्प पेड़ से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है, सेलुलोज और सेलुलोज से मिलता है रेयन, इसलिए हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा हल्का सा नेचुरल फाइबर है, आधा सेमी सिंथेटिक है ये, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है कि रेयन एक ऐसा नेचुरल बेस्ड मटेरियल है जो कि सेलुलोज से मिलता है, सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज हमें वुड पल्प से मिलता है या कॉटन से मिलता है। इट इज अ चीप अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क, जो मखमल का दूसरा अल्टरनेटिव, एक सस्ता मखमल, जैसे हम कह सकते हैं ना गरीबों के सलमान खान, ऐसे ही गरीबों का सिल्क रेयन, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनली मत लीजिएगा, सिल्क का मतलब होता है मखमल, और मखमल जैसी चीज ही रेयन होती है, बस सस्ती होती है। सिंथेटिक फाइबर्स, नाइन्थ, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का एकदम सीधा सटीक मतलब यही होता है, वो फाइबर्स जो इंसानों द्वारा बनाए गए हों, सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। अब ये मैनमेड फाइबर्स बनाए कैसे जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के कई एग्जांपल्स हो गए, हमारा नाइलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, हमारा आप कह सकते हो जो रेयन है वो भी सेमी सिंथेटिक है। तो ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, ये फाइबर्स बनते कैसे हैं, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दीज फाइबर्स इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलकर ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। अब पेट्रोलियम आप पेट्रोल वाला पेट्रोलियम मत समझिएगा, पेट्रोलियम के कई केमिकल्स होते हैं, जैसे हमारा बेंजीन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, मेथेन हो गया, इन सारी चीजों से हमारा क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनता है। और चूंकि सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, हेंस Another name for these fibers is petrochemicals. इसलिए इन fibers को हम petrochemicals भी कहते हैं। Petrochemicals मतलब ऐसे chemicals जो petrol से मिलके बनते हैं। I think समझ में आ गया होगा आपको। Now tereling, tereling क्या होता है? एक ऐसा artificial textile, एक ऐसा man-made कपड़ा या धागा हम बोल सकते हैं, जो कि polyester से मिलके बनता है, और इसका काम क्या होता है? Used to make light क्रीज रेजिस्टेंस क्लोथिंग, मतलब हल्के, और कभी ना आप समझते हो जो कॉटन के कपड़े होते हैं अगर हम उनको धो देते हैं तो उन्हें आयरन करने की जरूरत होती है, उन्हें प्रेस करने की जरूरत होती है, लेकिन टेरलिन के जो कपड़े होते हैं उनको धोने के बाद हम प्रेस नहीं करना होता, क्योंकि इसमें जो रिंकल, जो चिंगुड़ाहट होती है वो नहीं आ पाती है। ये क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं, ये कभी रिंकल नहीं होते हैं, और टेरलिन से हमारे हल्के और क्रीज रेजिस्टेंस कपड़े बनाए जाते हैं। बेड लिनिन, पीलो कवर, तकिए का कवर हो गया, हमारे चद्दर हो गए, जो बेड के चादर होते हैं वो, इन सारी चीजों को भी टेरलिन से बनाया जाता है। सेल्स, जहाजों में जो पानी वाले जहाज होते हैं उसमें आप जानते हो लंबे लंबे कपड़े लगे रहते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है, जो मदद करते हैं शिप को टर्न होने में, इसको कहते हैं सेल्स। तो ये सारी चीजें टेरलाइन की ही बनती है, ठीक है। नाउ 11th, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक नाम से ही क्लियर है, ऐसे प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजली, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हम आसानी से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकें, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हीट करने पर, जब हम उन्हें गर्म करें, ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें हम अगर गर्म करें तो उन्हें हम एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन हमारा अगर हम उसको हीट करें, अगर हम उसे जलाएं तो हम उसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं। पीवीसी, पीवीसी आप जानते हो हमारे यहाँ पीवीसी पाइप्स आती हैं, जो पानी में लगने वाली, जो पानी के सर्कुलेशन के लिए जो पाइप हमारे घरों में लगाई जाती है वो पीवीसी पाइप्स होती हैं। अगर हम उनको हीट करें, अगर हम उन्हें गर्म करें तो उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मो सेटिंग मतलब जो हमेशा के लिए फिक्स हो गए हो, जिनके शेप को हम चेंज ना कर सके। देयर आर सम प्लास्टिक्स, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं विच वेन माउल्डेड वंस, जिन्हें अगर हमने एक बार किसी शेप में कन्वर्ट कर दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग।
अब हम उसे हीट करके, गरम करके हम उसे दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो हमारे घरों में पंखे चलाने के लिए स्विच होती है, जो लाइट चलाने के लिए स्विच होती है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है। कभी आप उसको गर्म करके देखो, हीट करके देखो, जला के देखो, तो आपको दिख जाएगा कि आप उसे किसी और रूप में, किसी और फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हमारे घरों में कई प्रकार के बर्तन यूज होते हैं, आप जानते हो। अगर आपने फ्राइंग पैन देखा होगा, या अपने घरों में जो चाय बनाने वाली केतली होती है, अगर आप उसको देखा होगा, जो पकड़ने वाला जो एरिया होता है इन बर्तनों का, वो कुछ ब्लैक कलर के प्लास्टिक से बना होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना होता है वो। अगर हम उसको हीट करेंगे तो हम उसे कहीं या किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रखा है। गॉट इट? ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे। आई होप आपको कीवर्ड्स सारे इजिली एक्सप्लेन्ड हो गए होंगे, आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आता है, एक्सप्लेन व्हाई सम फैब्रिक्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स। एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछा है कि क्यों कुछ धागों को या कुछ फैब्रिक्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं। तो सम फाइबर्स डू नॉट अकर इन द नेचर। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचर में नहीं मिलते हैं हमें, जो प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलते हैं हमें, जिसे इंसान बनाता है, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। फिर से सुन लो, हम सम फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। कुछ धागों को हम इंसानों द्वारा बनाए गए धागे क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ धागे ऐसे होते हैं जो हमें नेचर में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। मार्क द करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयन फुल्ली मैन मेड फाइबर नहीं है, रेयन को पूरी तरीके से लैब में नहीं बनाया गया है, पूरी तरीके से इंसान रेयन को नहीं बना सकता है, क्योंकि रेयन सेलुलोज से मिलता है और सेलुलोज हमारा पेड़ों से मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, पूछ रहा है कि रेयन में और जो पूरे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिसे पूरी तरीके से इंसान बनाते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क इतना है कि जो रेयन है हमारा वो वुड पल्प से मिलता है, लकड़ियों से मिलता है, तो थोड़ा सा ये सेमी सिंथेटिक है, मतलब आधा इंसानों ने बनाया है और आधा नेचर से मिलता है हमें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर भी हम कहते हैं। बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैनमेड धागे होते हैं, वो किन से मिलकर बनते हैं, हम बताते हैं आपको। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये यहां पर है ना, कि जो हमारे ये सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से मिलकर बनते हैं। तो यहां पर वही हमें भरना है कि सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स से। समझ में आया? लाइक सिंथेटिक फाइबर, मतलब इंसानों द्वारा जो बनाए गए फाइबर्स हैं उनके जैसे प्लास्टिक भी एक क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। गॉट इट? नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ उदाहरण दीजिए जिससे हमें यह पता चल सके कि जो नाइलॉन के धागे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइलॉन फाइबर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि नाइलॉन के फाइबर से ही पैरासूट बनाए जाते हैं। पैरासूट आप जानते हो, अगर कोई इंसान हवा में कहीं एयरक्राफ्ट से या किसी एरोप्लेन से कूदता है जमीन पर आने के लिए, तो वो पैराशूट पहनकर कूदता है, ठीक है। तो पैराशूट नायलॉन से बनता है, वो बहुत मजबूत होता है नायलॉन, इसलिए पैराशूट बनाया जाता है। हम जानते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए जो रस्सियां होती हैं वो भी नायलॉन से बनाई जाती हैं, क्योंकि नायलॉन बहुत ही मजबूत फाइबर माना जाता है। समझ गए क्या रीजन है क्यों नायलॉन को हम मजबूत फाइबर मानते हैं, क्योंकि पैराशूट और जो रस्सियां हैं, जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए यूज होने वाली रस्सियां हैं, वो भी हमारे नायलॉन से बनती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर
फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, एक्सप्लेन करिए, रीजन बताइए कि हम अपना खाना स्टोर करने के लिए, हम खानों को ढकने के लिए या इसको लंबे समय तक रखने के लिए क्यों प्लास्टिक के डब्बों का यूज करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आंसर ये है कि प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल. जो प्लास्टिक्स होते हैं वो अंदर रखे गए खानों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो खाना हमारा खराब नहीं होगा. आप लोहे के डब्बे में रख लो खाने को, अब क्या करो, एक दिन लोहे के डब्बे में रख दो, आप देखोगे कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद वो खाना खराब हो गया रहता है, क्योंकि आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है. लेकिन प्लास्टिक के साथ कोई भी फूड आइटम, कोई भी खाने की चीज रिएक्शन नहीं करती है. और इसके अलावा जो प्लास्टिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए हम इन्हें अपने किचन्स में डब्बों के तौर पर यूज करते हैं, खाना रखने के लिए यूज हम करते हैं. हेंस दे आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. यही कारण है कि प्लास्टिक्स का यूज हम क्या करते हैं, फूड स्टोरिंग के लिए करते हैं. गॉट इट? प्लास्टिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. आपको डिफरेंस, अंतर बताना है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है. अगर मेरी लैंग्वेज में जानना चाहें तो थर्मोप्लास्टिक जिसे हम हीट करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब जिसे हम हीट करके एक शेप से दूसरे शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. इनके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं. पहला डिफरेंस क्या है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इजली, जिसे हम एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से ढाल सकते हैं अगर हम उन्हें हीट कर दें तो, और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, जो बिल्कुल भी अगर हम उन्हें कितना भी गर्म कर दें वो जल जाएंगे, लेकिन वो एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं होंगे. थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का यूज क्या क्या होता है, कहां कहां होता है, मैन्युफैक्चरिंग कार, जो कार्स होती हैं हमारे यहाँ, जो गाड़ियां होती हैं उसकी 40-50% जो पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं, आप जानते ही हो, और वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं. टॉयस, खिलौने हमारे घर में आते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं. डब्बे, जो हमारे यहाँ अलग अलग चीजों को रखने के लिए डब्बों का यूज होता है, हमारे किचन में चाय पत्ती चीनी रखने के लिए जो यूज होते हैं डब्बों का, वो भी थर्मोप्लास्टिक से ही बने होते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक टाइप है बैकेलाइट, ठीक है, और बैकेलाइट मान के चलो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है. इसका यूज कहां पे होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच को बनाने में, जो फैन को चलाने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए जो हम स्विच का यूज करते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है. हैंडल्स फॉर वेरियस यूटेंसिल्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बर्तनों के हैंडल्स होते हैं वो भी हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं. नाउ 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एक्सप्लेन करिए कि ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाई जाती हैं. पहला चीज है सॉसपैन हैंडल्स. सॉसपैन हैंडल्स, पैन तो आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, इसके जो हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं. तो इसका आंसर है कि द हैंडल्स ऑफ सॉसपैन आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो अपने थ्रू हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इसी के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो जो हैंडल होता है इन बर्तनों का वो गर्म नहीं होता है. दूसरा, इलेक्ट्रिकल प्लग, जो हमारे टीवी के प्लग होते हैं, स्विच हो गए हमारे, स्विच के जो बोर्ड होते हैं, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं. क्यों? इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच और जो प्लग बोर्ड है वो, या तो हम सॉसपैन भी मान ले, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाई जाती हैं बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि हम जानते हैं प्लग, स्विच और बोर्ड इन चीजों से बनाया जाता होगा जिसमें करंट नहीं उतरती है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें करंट नहीं आती है, इस वजह से ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हमें आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, यहां से लेके ये सारी चीजें हैं, हमें इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है. एक कैटेगरी जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती, उन चीजों को एक
एक साइड रखो, जो रिसाइकल हो सकती हैं, कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब जो रिसाइकल हो सकती हैं, जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं उन्हें एक तरफ रखो, जिन्हें दोबारा यूज नहीं कर सकते उन्हें दूसरी तरफ रखो। पहला, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन की जितनी भी चीजें हो गई, जैसे जो टेलीफोन के हमारे बटन्स हो गए, वो सारी चीजें वो रिसाइकल नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हम दोबारा किसी और शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक टॉयस, हमारे घरों में जो खिलौने यूज होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्लास्टिक टॉयस को रिसाइकल्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। कुकर हैंडल्स, जो कुकर होता है उसका जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो भी रिसाइकलेबल होता है, मतलब हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, हम उसका प्रयोग किसी दूसरी चीज को बनाने में कर सकते हैं। कैरी बैग्स, जो हमें मॉल्स में जाने पर कैरी बैग मिलता है, सब्जियों को ले जाने के लिए कपड़े का बैग मिलता है, वो उसे हम कैरी बैग कहते हैं, वो भी रिसाइकलेबल है, मतलब उसको भी हम किसी दूसरे काम में ला सकते हैं, हम उसे किसी दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। बॉल पॉइंट पेंस, पेंस रिसाइकलेबल होते हैं। प्लास्टिक के जो बॉल होते हैं, जो प्लास्टिक के कटोरी होते हैं, वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हम उन्हें किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो रिसाइकलेबल नहीं है। कवरिंग, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो तार होते हैं, जो बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर आप देखते होंगे प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती होगी, प्लास्टिक से ढका हुआ होते होंगे ये तार, तो जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वो रिसाइकलेबल होती है, उन्हें हम किसी और चीजों में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम उसको अगर हीट करें और हीट करके हम कोई दूसरी चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर क्या होता है, रिसाइकलेबल होता है, अगर प्लास्टिक चेयर खराब हो जाए तो आप कबाड़ी की दुकान पर बेच दो और कंपनी वाले उसे क्या करते हैं, पिघला कर फिर कोई दूसरी चीज बना देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, मैंने बताया जो चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच है वो किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, हमने ऊपर वाले ही इसमें पढ़ा ना कि ये देखो इलेक्ट्रिकल स्विच किससे बनती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है, और जो चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती हैं वो रिसाइकलेबल नहीं होती हैं, उनसे हम कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राणा नाम का एक लड़का है, वो गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है, अब तुम्हें सजेशन देना है, तुम्हें सुझाव देना है कि वो कॉटन का शर्ट खरीदे या पॉलिस्टर और टेरिकॉट का शर्ट खरीदे, रीजन बताइए। अगर कॉटन का शर्ट खरीदना आप चाहते हो कि जो राणा है वो कॉटन का शर्ट खरीदे, तो अपना रीजन बताइए कि क्यों आप उसे बोल रहे हो कि कॉटन का शर्ट खरीदे, और अगर सिंथेटिक मटेरियल जैसे पॉलिस्टर हो गया हमारा, टेरिकॉट हो गया, अगर इन सब के शर्ट आप उसे पहनने के लिए बोल रहे हो तब भी रीजन बताओ कि क्यों। चलिए मैं आपको बताता हूं, राणा को कॉटन के शर्ट खरीदने चाहिए गर्मियों के लिए, क्यों, बिकॉज कॉटन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो कॉटन है वो अपने अंदर गर्मी को ट्रैप करके नहीं रखता है, वो गर्मी को बहुत ज्यादा पास आउट नहीं होने देता है, जिस वजह से हमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है अगर हमने कॉटन शर्ट पहना हुआ है तो। इट डज नॉट ट्रांसमिट हीट टू एंड फ्रॉम द बॉडी, कॉटन बिल्कुल भी ना बॉडी में हीट को लगने देता है ना बॉडी से हीट को निकलने देता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, और इस वजह से हम गर्मी से बचे रहते हैं। कॉटन इज मोर कैपेबल ऑफ होल्डिंग एब्जॉर्बिंग स्वेट, जो हमारे पसीने होते हैं कॉटन उसे भी सोख सकता है, कॉटन उसे भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो दूसरे सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं जैसे टेरिकॉट हो गया, अगर उससे पहनकर आपको पसीना आ रहा है तो वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें गर्म लगेगा, वहीं पर जो कॉटन है, जो सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से हमें कभी कभी क्या लगता है, ठंडा लगता है। चलो 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि गिव एग्जाम्पल्स टू सो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, एग्जाम्पल्स दीजिए जिससे हमें ये पता चल सके कि प्लास्टिक्स रिएक्टिव नहीं होते हैं, प्लास्टिक्स किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो प्लास्टिक्स आर नॉट कोरोसिव इन नेचर, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं नेचर में, क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सब्सटेंस, क्योंकि वो किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं, एंड डू नॉट शो एनी केमिकल चेंज, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज भी
नहीं आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो खाने स्टोर करते हैं वो प्लास्टिक्स में ही स्टोर करते हैं। हमारा जो रोटी का डिब्बा है वो भी प्लास्टिक का ही है, चावल रखने का डिब्बा है वो भी प्लास्टिक का है। तो हम खाना रखने के लिए प्लास्टिक्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि प्लास्टिक आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? व्हाई? जो हमारे बर्तनों के हैंडल होते हैं और जो हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स मतलब जो वो पतले पतले तार होते हैं ना जो हमारे दांतों को रगड़ते हैं, वो दोनों चीजें एक ही मटेरियल्स से क्यों नहीं बनाई जा सकती? रीजन देना है आपको, आंसर देखिए। द हैंडल एंड द ब्रिस्टल्स, जो हैंडल होता है बर्तनों का और जो टूथब्रश का ब्रिस्टल होता है, उन दोनों को शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। वो दोनों एक ही मटेरियल से इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हैंडल शुड बी हार्ड, क्योंकि जो बर्तनों का हैंडल है वो सख्त होता है ताकि हम आसानी से पकड़ सकें, स्मूथ ग्रिप के लिए आसानी से पकड़ सकें, इसलिए हैंडल का जो हैंडल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, सख्त होता है। लेकिन वहीं जो टूथब्रश का ब्रिस्टल होता है, जो टूथब्रश का तार होता है, वो मुलायम होता है ताकि वो हमारे मसूड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं और जो बर्तनों के हैंडल होते हैं, वो दोनों एक टाइप ऑफ मटेरियल से नहीं बनने चाहिए। समझ में आया? जो हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं और ये जो हमारे ये हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक का जितना कम से कम यूज हम कर सकते हैं उतना कम यूज करना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? आंसर, प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। हम जानते हैं प्लास्टिक्स को हम किसी भी तरीके से पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसी के लिए ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। दे कांट बी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, हम इन्हें ना कहीं पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं ना तो हम जला सकते हैं, क्योंकि हम जलाएंगे तो ये हार्मफुल गैसेस देंगे, इसलिए हम इन्हें अवॉइड कर देते हैं। तो अगर एक बार प्लास्टिक बन जाता है तो वो हजारों साल तक, लाखों साल तक वैसे ही धरती पर पड़ा रहता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। नाउ 13th, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। अब यहां पर आंसर मैं सीधा बता देता हूं, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर वो कपड़ा होता है जो आसानी से मुड़ता नहीं है, तो पॉलिस्टर को हम किससे, लास्ट वाले से मैच करेंगे। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो आजकल के बर्तन होते हैं ना, वो टेफ्लॉन से ही बने होते हैं। क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन वो मटेरियल होता है जो खाने को, जो पकाने वाली चीजों को बर्तन से चिपकने नहीं देता है। जो रोटियां हम आसानी से बना लेते हैं ना, वो क्यों? क्योंकि टेफ्लॉन के मटेरियल से बना होता है और रोटी का जो लोई है वो नीचे चिपकता नहीं है। रेयन, रेयन क्या होता है? रेयन आर्टिफिशियल सिल्क जिसे हम कहते हैं, मतलब नकली मखमल, वो वुड पल्प से बनाया जाता है, इसलिए हम रेयन को वुड पल्प से मैच करेंगे थर्ड वाले को, ए वाले से। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है? नायलॉन का यूज होता है फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, पैराशूट बनाने के लिए और भी कई जरूरत मजबूत सामान बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। अगर हम मैनमेड फाइबर को बनाते हैं, इसका मतलब है कि हम फॉरेस्ट को वापस लाने में मदद कर रहे हैं, मतलब हम इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारा सिल्क हो गया, वुल हो गया, ये क्या, इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल क्यों कहलाता है? क्योंकि हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो जब नेचुरल फाइबर्स हम बनाएंगे तो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी, और जिस वजह से हमें पेड़ को काटने पड़ेंगे और जानवरों को मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम मैनमेड फाइबर्स, मतलब ऐसे फाइबर्स जो लैब में बनाए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये जो चीजें होती हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती हैं, मतलब इन ये जो चीजें होती हैं वो प्लांट और एनिमल्स को यूज में नहीं लाती हैं, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा अच्छा होता है। आप इजीली ऐसे कह सकते हो, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं
उनको अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनको हम मारेंगे नहीं, वो बच जाएंगे। लेकिन वहीं नेचुरल फाइबर का यूज़ हम जब करते हैं तो हमें प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, एनिमल्स को मारना पड़ता है। 15th क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा आप एक्टिविटी करिए जिससे हमें ये पता चल सके कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, चलो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं, जो हमारे घरों में तार होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है, जो प्लास्टिक से ढका होता है ना, तो वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है, जो हमें दिखाता है विच सो दैट कि जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जो पेचकस होता है उसका जो हैंडल होता है, या जो प्लायर्स होते हैं, जो पिलास होता है उसका जो हैंडल होता है, वो आप प्लास में और पेचकस के हैंडल्स को थर्मोप्लास्टिक से इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्लास को यूज कर रहा है उसको करंट ना लग जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को एजुकेशनल हैक्स को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, ताकि आपको और भी पीडीएफ्स और भी वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिले। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।